बड़ी खबर आ रही है सीतापुर से, जहां 25,000 के दो पुरस्कार घोषित अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। तो वहीं लहरपुर थाना क्षेत्र में दो पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को किया गया है जामा। तलाशी के बाद में अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस भी बरामद हुई हैं। बगैर नंबर की मोटरसाइकिल बरामद, दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। पुलिस के आला अधिकारी ही मौके पर बताए जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिकारीगण मौके के लिए रवाना। थाना लहरपुर के अंतर्गत भतपर चौकी के निकट आज एक पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो इनामी बदमाश, जिनका नाम मोहम्मद हारून और मोहम्मद जलील है, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। ये सकरन रेउसा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पूर्व से घोषित था। इन अपराधियों के द्वारा लगातार जनपद सीतापुर में तथा आसपास के अन्य जनपदों जैसे जनपद बाराबंकी व जनपद प्रतापगढ़ में चोरी नकबजनी की घटनाएं लगातार कारित की जा रही थी। इनकी पुलिस टीम के द्वारा लगातार रेकी की जा रही थी। आज सुबह जब यहाँ पर नहर की पटरी के पास में इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इन दोनों बदमाशों के गोली लगी है, जिसमें इन दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। पुलिस की टीम के द्वारा मौके से अवैध शस्त्र दो तथा जिंदा कारतूस व दगे हुए कारतूस कुछ बरामद किए गए हैं। एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामद की गई है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि इनके द्वारा प्रतापगढ़ जिले में कुल 20 चोरियां पिछले एक महीने में की गई हैं, जिनमें से एक जगह पर इनके द्वारा एक लाइसेंसी अस्त्र भी चुराया गया था, जिसे पूर्व में प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया था। प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा भी उनको बुलाकर इनके साथ पूछताछ की जाएगी। जनपद सीतापुर में इनके द्वारा तालगांव, रेवसा व लहरपुर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं की गई हैं, जिनका जल्दी पूछताछ में इसका खुलासा किया जाएगा। इनका एक अन्य साथी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।